मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सबको मेरी बधाई। एक दूसरे से हम मिल पा रहे हैं, इसलिए हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसका अनुग्रह सदा की है, आज भी है। उसके अनुग्रह पर निर्भर होकर आज का जो भविष्यवाणी का वचन है उसे आप पा लीजिए। इस वचन के आखिर में, वचन के आखिर में जब मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूं, तो आप भी हाथ उठाकर, आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके लिए भला और सहायतामंद होगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 5वां अध्याय और 12वें वचन का पहला भाग, और उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता उसमें दिखा। उसमें उत्तम आत्मा, एक्सेलेंट स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जितने आशीष हैं उनमें से एक आशीष है विशेष आत्मा या उत्तम आत्मा। स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कुछ ही बच्चे उत्तम बच्चे हैं। खेल में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर कुछ ही स्टार प्लेयर्स हैं। उसी तरह मसीह में भी हजारों हजारों सैकड़ों लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, पर कुछ ही लोग उत्तम लोग हैं। अगर ऐसा है तो उनमें क्या स्पेशलिटी है? परमेश्वर की आत्मा। दानियल अन्य देश में रह रहा है, गुलाम बनाकर ले जाया गया, पर रानी या उस देश की रानी ऐसा बताती है उसके बारे में कि उसमें एक उत्तम आत्मा है, मैं उसे देख पाती हूं। 11वें वचन को जरा देखिए, 5:11, दानियल, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। परमेश्वर की स्तुति है। आज के दिन भी जब आप परमेश्वर को देखकर कहो कि मेरे अंदर जो अभिषेक है, उस अभिषेक के निमित्त विशेष आत्मा मेरे अंदर है, मैं ऐसे जान पा रहा हूं परमेश्वर मुझे एक उत्तम मनुष्य बना, इस भूमि में एक विशेष व्यक्ति बना परमेश्वर, मेरे अंदर जो आत्मा है उसे अग्नि के रूप में और जलाने दे, ऐसा प्रार्थना करते रहो। दानियल के अंदर एक स्पेशलिटी थी, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, यरूशलेम की ओर हर दिन प्रार्थना करता था। उसका हृदय, मेरा देश, मेरे लोग, आमेन, हमारा परम यरूशलेम स्वर्ग राज्य है, हे प्रभु उस स्वर्ग राज्य को मैं जाऊंगा, मेरा परिवार आएगा, मेरा देश आएगा, ऐसी चाहत के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को और अग्नि से भरपूर करेगा। परमेश्वर विशेष ज्ञान और प्रकटन की आत्मा तुम्हें देगा। ठीक है, आज जो वचन आपने सुना है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति कर दीजिए। ऑफिस में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ही स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट है, मैं इसे सह नहीं पा रहा हूं, निराश मत होइए। पारिवारिक समस्याओं को लेकर चिंता मत कीजिए, आज के दिन का अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सारे अधिकार पाए हुए यीशु के नाम से, उस दिन दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा दी, वही आत्मा तेरे बच्चों में तू उंडेल रहा है, इसलिए तेरी स्तुति हो। आज का दिन मैं कैसे संभालूं, इन अधिकारियों को कैसे मैं संभालूं, इस समस्या को कैसे मैं जीतूं, इतना पैसे मैं कैसे चुकाऊं, हे प्रभु तेरे अनुग्रह की आत्मा, विनती की आत्मा तेरे बच्चों के अंदर उतर आए, ज्ञान और अनुग्रह से तेरे नाम की महिमा कर। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरी स्तुति हो। संतोष से भरने वाले आत्मा के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, कभी मत डरो, शैतान को सदा लज्जित करते रहो। एक अच्छा मौका है आपके पास, जितने लोगों को आप शेयर करोगे उतना अच्छा है। हिंदी भाषा में आपने सुना ना, बहुत खुश हुए ना, आपके गांव में जितने सारे लोग हैं सभी को शेयर कीजिए, वो भी आशीष पाए। फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।